अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू गुड़िया फैशन फूड फैक्ट्री। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ ओपन फ्रॉक। मैं इसे 5 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। चलें तो फिर वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। ये इसकी डिज़ाइनिंग के लिए मैंने कुछ फ्लावर्स लिए हैं, 2 कलर्स में लेसेस लिए हैं। ये मैंने लीलन का कपड़ा लिया है। सबसे पहले मैं बॉडी के लिए कपड़ा अलग करूँगी। इसके लिए चौड़ाई जो है मैं 13.5 इंच ले रही हूँ और लंबाई जो है मैं 10 इंच ले रही हूँ। अब बॉडी के अगले और पिछले हिस्से को अलग करके फोल्ड करके सेंटर से ऊपर नीचे रख के बिछा लेंगे और इसके ऊपर मैं तीरे की, कंधे की और चेस्ट और कमर की मेजरमेंट लगा लूँगी। सेंटर से इसकी नॉच बना लेंगे। तीरे और आर्म होल के लिए मैं 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। तकरीबन 1.25 इंच अंदर रख के मैं यहाँ पर आर्म होल ड्रॉ कर रही हूँ। चेस्ट के लिए निशान मैं 6 इंच पर लगा रही हूँ और कमर के लिए निशान में 5.5 इंच पर लगा रही हूँ। अब 1.25 इंच ऊपर करके जो बॉडी है यहाँ से 1.25 इंच का ऊपर करके मैं कट लगा रही हूँ। यहाँ से थोड़ा सा राउंड शेप देंगे और अब फ्रंट वाले पल्ले को उठा के जो है यहाँ से आर्म होल की मैं थोड़ी सी अंदर से डीप कटिंग कर लूँगी। अब गले के लिए 2 इंच चौड़ा और डीपनेस जो है फ्रंट वाले नेक की मैं 3.5 इंच रख रही हूँ और बैक वाले नेक की मैं 2 इंच रख रही हूँ। आप चाहें तो इसकी डीपनेस थोड़ी सी और कम कर सकते हैं। अब फ्रॉक के घेरे के लिए मैं चौड़ाई निकाल रही हूँ और ये कपड़ा डबल है और टोटल चौड़ाई मैंने 42 इंच ली है। इसकी लंबाई आप अपनी मर्जी से लें, मैंने इसकी लंबाई जो है 19 इंच ली है। अब इसको डबल करके सेंटर से नॉच बना लेंगे। अब मुझे इसकी बाजू बनानी है। तैयार लेंथ जो है 12 है लेकिन इलास्टिक वाली बाजू बनानी है तो मैं इससे 1.5 इंच बड़ी रखूँगी। तैयार जो है इसकी 13.5 इंच होनी चाहिए तो मैं इसकी कटिंग जो है 15 इंच पे करूँगी क्योंकि आगे से फोल्ड में ज़्यादा जाएगा, 1 इंच तक जाएगा और जो कंधे से साथ लगेगा वो 0.5 इंच लगेगा, तो 1.5 इंच बड़ा कर रही हूँ। बाजू की कटिंग थोड़ी सी हम बेल बॉटम करेंगे क्योंकि आगे से मुझे खुली चाहिए, इसमें इलास्टिक डालनी है और उसमें चुनर्स अच्छी आएँ ताकि। अब इसकी हम सिलाई स्टार्ट कर लेते हैं। मशीन का टांका बड़ा करके पहले इसकी 2 सिलाइयाँ लगा लेंगे ताकि हम इसको खींच के इसमें चुनर्स डाल सकें। ये देखिए इसमें मैंने एक एक सिलाई लगा ली है। अब इसको खींच कर मैं इसमें चुनर्स डाल रही हूँ। चुनर्स पहले मैं सेंटर तक डालूँगी एक तरफ से। सेंटर से दूसरी तरफ मैं चुनर्स डालूंगी और अच्छा बीच में जहाँ पर मैंने नॉच बनाई है यहाँ पर 1-1 इंच तक दोनों तरफ से जो है चुनर्स नहीं डालनी, थोड़ा सा इसको सीधा रखना है सेंटर से। ये देखिए इसमें मैंने चुनर्स डाल लिए हैं और सेंटर में आप देख सकते हैं 2 इंच में चुनर्स नहीं हैं। ये मैं आपको बाद में बताऊंगी मैंने क्यों नहीं डाली हैं। और अब जो हमने बैक साइड की चुनर्स हैं वो हमने बिल्कुल सीधे तरीके से डाली हैं, उसमें कोई गैप नहीं देना। और अब दोनों को बॉडी के साथ अटैच कर लेंगे, फ्रंट साइड को भी और बैक साइड को भी। बॉडी को घेरे के साथ सेंटर से अटैच करना शुरू करेंगे हम और एक तरफ से अटैच करने के बाद फिर सेंटर से दूसरी तरफ अटैच करेंगे।
ये देखिए मैंने बॉडी को अटैच कर लिया है, और फ्रंट साइड की बॉडी में आप देख सकते हैं कि सेंटर में जो है 2 इंच का गैप है, और बैक साइड की बॉडी जो है ये आप देख सकते हैं किस तरीके से अटैच हुई हुई है। अब हम फ्रंट साइड की जो हिस्सा है उसको फोल्ड करेंगे और सेंटर से हम इसको कट कर लेंगे। ये देखिए मैंने इसको सेंटर से कट कर लिया है। अब मैं 2 इंच चौड़ी सीधी पट्टी काट रही हूँ। ये ओरेब में पट्टी नहीं है, बिल्कुल सीधी पट्टी है जो मैंने दोनों तरफ अटैच करनी है। अब एक पाँव की सिलाई लगा लेंगे, इसको अटैच कर देंगे पट्टी को। इसको मैंने ये आयरन कर लिया है, लेकिन यहाँ से फोल्ड करने से पहले ना इसको जो है हम कंधे से और इसकी फिटिंग की सिलाई लगा लेंगे, क्योंकि मैंने यहाँ पे लेस अटैच करनी है दामन पे। तो वो लेस अटैच करने के बाद मैं इसको ऐसे फोल्ड करूँगी। कंधे से और इसकी ये फिटिंग की सिलाई ये लगाने लगी हूँ मैं इसकी। अब नीचे दामन के ऊपर ये लेसें अटैच कर दूंगी मैं थोड़े थोड़े फासले के साथ। इसी तरीके से सारी फ्रॉक पे मैं ये लेस लगा दूंगी, और इसके साथ ही मैं दूसरी वाली लेस भी यहाँ लगा दूंगी। ये पूरी 2 गज लेस जो है लगी है, ये भी 2 गज थी और ये भी 2 गज थी, तो ये सारी जो है आगे पीछे घेरे पे मैंने लगा दी है। अब ये लेस लगाने के बाद इसको मैं ऐसे फोल्ड करूंगी। ये देखिए लेस थोड़ी थोड़ी सी कम पड़ गई थी, देखें, इसलिए मैं इसको पहले मैंने यहाँ तक ऐसे लगाना था, लेकिन अब लेस थोड़ी कम पड़ गई है तो इसको छुपाने के लिए मैं ऐसे करके लगा दूंगी। इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। बस अब इसको ऊपर नीचे रख के पहले हम पिंस लगा लेंगे। अब यहां से आप जहां तक आपने ओपन रखना है वहां तक आप सिलाई लगा लें, जितना इंच भी आप ओपन रखना चाह रहे हैं। इस तरीके से आप इसको बंद कर लें। यहाँ पे यहां से इसको 7 इंच, ये जो बॉडी है यहां से 7 इंच तक नीचे तक बंद करूंगी, और आगे से मैं इसको ओपन रहने दूंगी। और ऊपर से मैं इसको यहां से 1-1 इंच छोड़ दूंगी, और यहां पर मैं एक टिच बटन लगाऊंगी ताकि जो सर है वो आराम से अंदर जा सके, छोटा गला है बच्चे के लिए। तो अब यहां से मैं 1 इंच छोड़ के सिलाई लगाना स्टार्ट कर रही हूं। अब इसका जो बॉटम है यहाँ से इसको 1-1 इंच अंदर रख के ऐसे चौड़ा मैं इसको फोल्ड कर दूंगी। बाजू को मैंने इसके साथ अटैच कर दिया है, और आगे से मैंने इसको फोल्ड कर दिया है। इतना मार्जिन रखा है कि जिसमें से इलास्टिक आराम से गुजर सके। अब इसके लिए मैंने 6 इंच का इलास्टिक कट कर लिया है। अब इलास्टिक में मैं एक तरफ सेफ्टी पिन लगा रही हूँ, और दूसरी तरफ कॉमन पिन से इसे मैं बाजू के साथ अटैच कर दूंगी, ताकि जब मैं इलास्टिक अंदर डालूँ तो दूसरी तरफ से वो पूरी की पूरी अंदर ना चली जाए, बल्कि उसका एक सिरा जो है वो बाहर रहे। अब इस तरीके से इलास्टिक को अंदर डाल देंगे।
बस अब लास्टिक के दोनों सिरों को ऊपर नीचे रख के मशीन से हम सिलाई लगा देंगे। अच्छा खासा इसके ऊपर 2-3 सिलाइयाँ लगाएंगे ताकि ये पक्का हो जाए। अब जो हिस्सा मैंने ओपन रखा था यहाँ पर भी हम सिलाई लगा के इसे बंद कर देंगे। इलास्टिक वाले बाजू बनकर रेडी हैं। अब इसका फ्रिल वाला गला तैयार कर लेते हैं। इसके लिए मैंने एक सीधी पट्टी ली है, इसकी चौड़ाई 1 इंच और 2 पॉइंट है। अब इस पट्टी की एक तरफ को मैं बिल्कुल बारीक बारीक सा फोल्ड कर लूंगी मशीन से। ये देखिए मैंने एक तरफ सिलाई लगा ली है बिल्कुल बारीक सी। अब हम इस पट्टी के दूसरी तरफ टांका बड़ा करके मशीन का एक सिलाई लगा लेंगे जिसमें हमें चुनर्स देनी है। ये देखिए मैंने दूसरी तरफ भी सिलाई लगा ली है। अब इसका एक धागा जो है खींचकर इसमें मैं चुनर्स डाल रही हूँ। अगर ये सिलाइयाँ आप 2 लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छे तरीके से सफाई से चुनर्स डलेंगी। सारी पट्टी में मैंने चुनर्स डाल दी हैं। अब देखें जिस तरीके से पट्टी को, चुनर्स वाली पट्टी को मैं गले की पट्टी के साथ रख रही हूँ, आपने भी इसी तरीके से रखना है। चुनर्स वाली पट्टी को गले के साथ हम अटैच करेंगे लेकिन साथ साथ हम इसमें चुनर्स भी ठीक करते जाएंगे और इसी तरीके से हम ऑल अराउंड पूरे गले पर ये अटैच कर देंगे। अब इसको दूसरी तरफ से मैं ख़त्म करने लगी हूँ तो आप देखें कि मैं किस तरीके से पट्टी को दोबारा इसके किनारे के साथ ऊपर की तरफ से मिला दूँगी और इस सिलाई को ख़त्म कर दूँगी। सारे गले के ऊपर चुनर्स वाली पट्टी अटैच हो गई है। अब इसके जो दोनों कॉर्नर हैं यहाँ से हम इसको थोड़ा सा ट्रिम कर लेंगे और एक्स्ट्रा पट्टी को भी हम निकाल देंगे। अब एक पट्टी और एब में ली है मैंने, इसको मैंने फोल्ड करके आयरन करके रखा हुआ है। इस पट्टी की टोटल चौड़ाई 2 इंच से 2 पॉइंट कम है। अब इसे भी हम गले के ऊपर रख के सिलाई लगा देंगे सारे गले के ऊपर। सिलाई हम बहुत ध्यान से लगाएंगे, चुनर्स को हाथ से पीछे करते जाएंगे कि वो सिलाई के दरमियान में ना आ जाएं और सिलाई सफाई के साथ लगे। अब पूरे गले के ऊपर मैं छोटे छोटे से कट्स लगा लूँगी ताकि जब मैं फोल्ड करूँ तो इसमें कोई भी झोल ना आए, और जो साइड्स पे एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको भी हम कट कर देंगे ताकि फोल्डिंग के दौरान ये मोटा मोटा सा फील ना हो।
पट्टी को अब हम अंदर की तरफ फोल्ड कर देंगे। पहले हम इसे आयरन करेंगे और उसके बाद हम इसे तरपाई कर लेंगे। अब इसके ऊपर मैं फ्लावर्स जो हैं ग्लू के साथ अटैच कर रही हूँ और उसके बाद मैं इसको सुई से पक्का भी कर दूंगी एक दो टांके लगाकर। फ्रॉक सिलकर बिल्कुल तैयार है, आप इसकी फाइनल लुक देख सकते हैं। इसका गला भी आप देख लें, ये फ्रिल वाला जो मैंने बनाया था बिल्कुल रेडी है। तरपाई कर ली थी मैंने इसकी और इसके आगे जो मैंने टिच बटन के लिए जगह छोड़ी थी यहाँ पर मैंने एक टिच बटन भी अटैच कर लिया है। ये बैक साइड से आप देख लें, बैक साइड से इसकी लुक कुछ इस तरीके से आ रही है, बहुत अच्छी इसमें चुनर्स हैं। उम्मीद है कि मेरी वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।